हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मदर स्पर्श के न्यूली लॉन्च स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू। सो एज वी ऑल नो कि मदर स्पर्श जो है वो बेबीज एंड ममास के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है एंड न्यूली लॉन्च करती रहती है। सो इस बार इन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं न्यू, तो ब्रांड ने मुझे इनकी जो न्यू रेंज है प्लांट पावर्ड की, वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे इस छोटे से प्यारे से गुडी बैग में भेजे हैं, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दो मैं इन प्रोडक्ट को आराम से 15 टू 20 डेज हो चुके हैं यूज करते हुए, उसके बाद ही अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यस गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पे अभी नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन कितने प्रोडक्ट्स है। सो बेसिकली जो मदर स्पर्श है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ब्रांड है, इनके कोई भी प्रोडक्ट्स में आपको किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं मिलेंगे, कोई सिलिकॉन नहीं, पैराबेन नहीं, किसी तरह आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर नहीं है। सो यस वी कैन से ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दीज आर केमिकल फ्री एंड प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि इनका जो न्यूली रेंज है दैट इज प्लांट पावर्ड, इसके अंदर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस वॉश, एंड सेकंड वन इज प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम, एंड थर्ड वन इज अंडर आई रिकवरी जेल, एंड फोर्थ वन इज प्लांट पावर्ड सिया एंड कोको बॉडी बटर, एंड नेक्स्ट वन इज प्लांट पावर्ड ओटमील एंड हनी फेस मास्क। सो गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। मोर ओवर, अगर आप इनकी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है motherspurge.com से परचेज करते हो एंड मेरा ये जो कोड है Neelam35 लगाते हो, तो आपको 35% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा डील है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो ये फुल्ली रेंज है लाइक आपके फेस केयर, आपके आई केयर एंड आपके बॉडी केयर के हिसाब से। तो ये पांच प्रोडक्ट्स अगर आप ले लेते हो तो आपका पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाता है, स्किन केयर रूटीन। सो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं एंड कैसे आपको यूज करना है। सो गाइज, फर्स्ट बात करते हैं इनका जो फेस वॉश है दैट इज मदर स्पर्श प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस वॉश विथ अर्थ मैरिन वाटर एंड वनीला ऑयल। ये आपकी स्किन को इंटेंस हाइड्रेट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड बहुत अच्छा सा रेडियंट ग्लो आपकी स्किन पे देता है। एज जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई भी सिलिकॉन नहीं है, पैराबिन नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल SLS एंड SLES कुछ भी एज सच केमिकल्स नहीं है। एंड इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊं तो बहुत ही जेल टाइप की कंसिस्टेंसी है, जो इजिली आपकी स्किन के अंदर स्प्रेड होके एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन के डीप लेयर तक जाके क्लीन कर देती है। तो बेसिकली हम फेस वॉश अपनी स्किन को एक अच्छी सी क्लीननेस प्रोवाइड करने के लिए ही करते हैं, एज सच फेस वॉश का अलग कोई भी काम नहीं होता है। सो यस, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज दैट इज प्लांट पावर्ड ओटमील एंड हनी फेस मास्क। बेसिकली ये ओटमील एंड हनी से ही बना हुआ है, जो आपको बहुत अच्छी से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है। सो इसको यूज करने के बाद मुझे एक चीज फील हुई थी कि ये आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी लेके आता है। एज यू कैन सी, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल, आपको अच्छी सी एक थिक लेयर लगानी है अपने फेस पे इवनली, नेक को भी आपको कवर करना है, देन आपको 10 to 15 minutes इसको रखना है एंड उसके बाद अपना फेस आप वॉश कर सकते हो। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मुझे काफी हद तक अच्छी लगी थी, लाइक बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, एज सच आपको अदर से कोई ब्रश वगैरह से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिंगर से ही आप बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड कर सकते हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फेस मास्क कम फेस क्रीम जैसी ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। मोरओवर इसका रिजल्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा था, फेस वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छा सा एक ग्लोई इफेक्ट, जो ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है वो आपको मिलता है। तो अगर आप कोई पार्टी फंक्शन में जा रहे हो एंड आप डीप लेयर तक अपना स्किन को क्लियर करना चाहते हो ताकि वो एक अच्छा सा ग्लो लेके आए, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट गाइज। इसको आप अपने पार्टी फंक्शन से पहले हमेशा अप्लाई करो, बहुत अच्छे से आपका मेकअप होगा, बहुत अच्छी सी आपकी स्किन नजर आएगी। एंड नेक्स्ट इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फेस क्रीम, एंड दैट इज प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम विथ कोकम बटर एंड लेवेंडर ऑयल। सो यस, दिस इज फॉर एंटी पिगमेंटेशन एंड विच इम्प्रूव्स योर स्किन टेक्स्चर। सो यस, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, मोर ओवर अगर आपके डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स के स्कार्स है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो।
एंड मोर ओवर आपका टेक्सचर अच्छा नहीं है स्किन का, लाइक अजीब सा है, स्मूथ नहीं है, तो भी ये बहुत अच्छा सा एक स्मूथ टेक्सचर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसको यूज करने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि ये समर्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, थोड़ा सा मुझे ये ऑयली लगा था यूज। नेक्स्ट इसके अंदर है लेवेंडर ऑयल, जो आपके अगर बहुत ज्यादा ऑयल आपकी स्किन से प्रोड्यूस होता है, बहुत ऑयली स्किन है आपकी, तो उस एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करके आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है। बेसिकली आपके ये जो एंटी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइक रिंकल्स, फाइन लाइंस, उन पे कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट वन इज सिया बटर, जिसके अंदर की बहुत अच्छे लेवल में विटामिन ई होता है, फैटी एसिड होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए एक अच्छा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यस, अगर आपको ड्राई स्किन है, आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट नहीं रहती है, सो देन यू कैन गो फॉर दिस क्रीम गाइस, दिस इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल। एंड नेक्स्ट वन इज प्लांट पावर्ड अंडर आई रिकवरी जेल, जो कि आता है एवोकाडो ऑयल एंड क्यूक्यूबर एक्सट्रैक्ट के साथ। एज वी ऑल नो की जो हमारी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफिनेस हो जाती है हमारे आंखों के आसपास, या फिर फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए हमें हमेशा एक अच्छा सा आई क्रीम यूज करना चाहिए आफ्टर 25। मतलब कभी वेट मत करो कि हम आफ्टर 40 ही अपना स्किन केयर स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 25-27 के बाद आपको अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड ये जो आई क्रीम है गाइज, ये एवोकाडो, कुकुम्बर एंड आलमंड के साथ बनी हुई है, जो आपका बेसिकली फाइन लाइन्स, रिंकल्स एंड पफिनेस के लिए, या डार्क सर्कल्स जो आपके हो रहे हैं आंखों के, उस पे वर्क करेगी। सो नॉर्मल आपको एक अच्छी सी क्वांटिटी लेनी है, एक नॉर्मल सी क्वांटिटी, एंड आपको अपना जो रिंग फिंगर होती है उसकी हेल्प से अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, जब तक कि स्किन के अंदर अब्सॉर्ब ना हो जाए। ये आपकी स्किन के डीप लेयर तक जाके बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करती, स्किन को रीजनरेट करती है, टिश्यूज को नए बनाती है, हेल्दी रखती है उनको, ताकि जो अपीयरेंस है आपका, बाहर का जो लुक है, वो आपको एक अच्छा सा मिल सके। सो यस, बेसिकली ये डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज प्लांट पावर्ड सिया एंड कोको बॉडी बटर, दिस इज अल्टीमेट स्किन फूड फॉर डीप नरिशमेंट। सो यस, बेसिकली अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, या आपके आप लाइक कोई अच्छी सी हैंड क्रीम ढूंढ रहे हो, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिस वन इज गुड हैंड क्रीम। बहुत अच्छा सा बॉडी बटर है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं करवाता है आपको। एक जो होता है ना प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना, वो बहुत अच्छे से करता है। मोर ओवर आपकी स्किन के अंदर एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी लेके आता है। यस, दिस इज अ गुड बॉडी बटर फॉर ऑल सीजन। सो यस गाइज, ये जो बेसिकली मदर स्पर्श की रेंज है प्लांट पावर्ड, ये काफी मुझे इम्प्रेसिव लगी। लाइक इनके जो प्रोडक्ट है बहुत नॉमिनल प्राइस की है, बहुत हाई एंड नहीं है। एंड ये रेंज अगर आप फुल्ली नहीं लेना चाहते हो, तो भी आप नॉर्मल अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो यूज करने के लिए। एंड इसके साथ अगर आप पूरा एक रेंज लेते हो, तो आपको ये बहुत प्यारा सा गुडी बैग मिलता है। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, यू कैन सी बहुत डेप्थ है, बहुत अच्छे से आप अपना स्किन केयर इसके साथ रख सकते हो। ट्रैवल फ्रेंडली है, मोर ओवर पीछे भी आपको इस तरह की जिप मिल जाती है, तो आप नॉर्मल अपना टिश्यू रखना चाहते हो या कॉटन पैड्स वगैरह रखना चाहते हो, तो भी आप इसके साथ रख सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि आराम से 300-400 तक का ये बैग है, ये आपको फ्री मिलता है इन सब के साथ, अगर आप एक स्किन केयर लेते हो इनका पूरा। सो यस गाइस, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट मदर स्पर्श प्लांट पावर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। कोई भी तरह के डाउट है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फिर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो यस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।